हेलो बच्चों, क्या हाल है सबका। आइए आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करना है। ट्वेल्थ का एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, इनोस्ट्रोमेटिक फंक्शंस। आज नया टॉपिक हम लोग शुरू करना है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के बारे में अगर हम लोग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इससे हमारा बोर्ड में फोर मार्क्स फिक्स है, कैन फ्लैक्चुएट टू 6 मार्क्स। ठीक है, तो जो मैट्रिसेस जो है ये हमारा अलजेब्रिक टॉपिक है, और अलजेब्रा से बोर्ड्स में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और अलजेब्रा में हमारे पास दो टॉपिक है, एक है मैट्रिक्स और दूसरा है डिटरमिनेंट। एक है मैट्रिक्स और दूसरा क्या है, डिटरमिनेंट। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बातें बात क्लियर हो गई दिमाग में कि हमारे पास 6 मार्क्स अप टू द 6 मार्क्स हम लोग जा सकते हैं मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट मिला के। चलिए, अब सबसे बड़ी बात है कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज आपके दिमाग में ये प्रश्न उठेगा कि मैट्रिसेस का यूज क्या है। सबसे पहले चीज तो चैप्टर जो भी पढ़े उसका क्या पढ़े हम लोग यूज, तो थोड़ा आप लोग को हॉलीवुड मूवीज में ले चलते हैं भाई। हॉलीवुड मूवी आपने देखी होगी, कौन सी मूवी थी, मैट्रिक्स ही मूवी का नाम था। थोड़ा उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और उसको कोशिश करिएगा समझने की क्यों उसका नाम मैट्रिक्स ही पड़ा होगा। फिर आपको हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे क्यों इसका नाम मैट्रिक्स पड़ा। फिलहाल इसके यूज के बारे में समझते हैं अगर हम लोग, तो आप लोग एक चीज जानते होंगे कि जो हमारे जासूस होते हैं, जो हमारे कौन है जासूस, वो एक स्पेशल टाइप का कोड भेजते हैं मैसेजिंग के लिए, और उस मैसेजिंग के कोड को डिकोड करने के लिए क्रिप्टोग्राफर यूज होता है। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेटर यूज करता है, क्रिप्टोग्राफी। कौन सा ऑपरेटर यूज करता है, क्रिप्टोग्राफी। जो सेंसिटिव मैसेजेस जो आते हैं जिसको क्रिप्टोग्राफर जो हमारा होता है वो पढ़ता है, और उसको यूज करता है कौन सा ऑपरेटर, क्रिप्टोग्राफी का यूज करता है। ठीक है, और ये जो क्रिप्टोग्राफी जो मशीन है, जो मेरा ये मशीन है, ये मशीन टोटली वर्क करता है ऑन मैट्रिक्स। किस पे वर्क करता है, मैट्रिक्स पे वर्क करता है। तो आपके दिमाग में क्लियर हो रहा होगा कि मैट्रिक्स का यूज सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा है, मेरे पास जासूसी के कामों में। जासूसी जो लोग भी करते हैं, जो हमारे सीआईडी सीबीआई या जो भी रॉक एजेंट्स होते हैं, वो जब भी हम लोग यूज करते हैं वो क्या करते हैं हमारे लिए, क्रिप्टोग्राफी एक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, जिसको पढ़ने के लिए एक स्पेशल आदमी जरूरत पड़ती है जो क्रिप्टोग्राफर होता है। उस मशीन को यूज करने के लिए जो टूल यूज होता है वो कौन सा टूल है, मैट्रिक्स है। अब ये इतना पुराना कॉन्सेप्ट है कि आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड वॉर टू में भी इसका यूज किया गया था। जो हमने मैट्रिक्स से जो क्रिप्टोग्राफी यूज किया है, ये क्रिप्टोग्राफर उस समय वर्ल्ड वॉर टू के समय भी यूज हुआ था। उनका नाम क्या था, एलन टर्निंग। कौन था नाम उनका, एलन टर्निंग। इन्होंने डिकोड किया था किसको, जर्मन मैसेजेस को। किसको यूज किया था, जर्मन मैसेजेस को। कौन किए थे, एलन टर्निंग। वर्ल्ड वॉर टू के समय की बात है, सोचिए कितना पुराना कॉन्सेप्ट है कि जो क्रिप्टोग्राफी है कितना पुराना कॉन्सेप्ट है कि मैट्रिक्स को यूज करके वर्ल्ड वॉर टू में एलन टर्निंग ने जर्मन के मैसेजेस को क्या किया था, डिकोड किया था। यह चीजें हो गई आपके पास यूज कि मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट यूज कहां पर होता है, हमारे लिए जासूसी के कामों में होता है। चलिए, अब अगर ये चीज आपको क्लियर हो गया कि कहां पे यूज है, तो हम लोग को मेन टॉपिक जो इसमें पढ़ना है वो हम लोग समझ लेते हैं कि आज हम लोग को क्या क्या मेन टॉपिक इसमें पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन में खाली मेन टॉपिक के बारे में आपको हाईलाइट थोड़ा हम कर देते हैं। आइए देखते हैं, हम लोग को मैट्रिक्स में मेनली सबसे पहला चीज पढ़ना है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ध्यान से समझ लीजिए क्या है। इसका डेफिनेशन दिया गया है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। ध्यान दीजिएगा, प्लूरल है। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स इट मींस मैट्रिक्स के फॉर्म में जो भी नंबर्स लिखेंगे सबका क्या होगा, इंडिविजुअल कैरेक्टर होगा। क्या होगा, इंडिविजुअल कैरेक्टर होगा। इसीलिए कहा जाता है
मैट्रिक्स कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, मैट्रिक्स को हम क्या नहीं कर सकते, इवेल्युएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, प्लूरल वर्ड है, नंबर बहुत सारे नंबर का क्या है, कलेक्शन। एरे का मतलब आप जानते हैं, जो लोग थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानते होंगे, एरे का जनरल वे में मैनेजमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, मीनिंग क्या होता है, अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर में आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि रेक्टेंगुलर में क्या इंक्लूडेड है, स्क्वायर, क्योंकि हम लोग कहते हैं स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स, ठीक है, तो इसमें यह भी क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में। अब देखिए इसको लिखने का तरीका जो बनाया गया है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्क्वायर बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको हम कहते हैं रोज, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको हम लोग कहते हैं क्या, कॉलम्स, ध्यान से याद रखिएगा। अच्छा, अब ये समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ट्रिक बनाइए दिमाग में, क्या ट्रिक समझेंगे आप, ध्यान समझिएगा। कॉलम कभी कभी आप घर पे देखते होंगे, जब आपके घर पे कोई कंस्ट्रक्शन चलता होगा तो आपको बताते होंगे लोग, जो पिलर होता है उसको बोलते हैं हमने यहाँ पर एक कॉलम बनाया। कॉलम का मतलब आप सिनोनिम ले सकते हैं किससे, पिलर से, किससे सिनोनिम ले लीजिए, पिलर से। अब पिलर कैसा होता है, वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन का नाम क्या पड़ गया, कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम पड़ गया क्या, रोज। तो ये चीज ध्यान रखें दिमाग में। अब इसके बाद इसका लिखना हमको सीखना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर कैसे लिखते हैं ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा इसी ध्यान देखिएगा, यहां पे सिंबल हम लगाते हैं इनटू का, लेकिन पढ़ते हैं इसको बाय है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है ये भी समझ लीजिए, रीजन ये है कि अगर आप इनटू पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज होगा हमेशा कि ये दोनों का प्रोडक्ट हो रहा होगा, लेकिन प्रोडक्ट अगर कर देंगे तो एक सिंगल डिजिट में बदल जाएगा, तो हमको पता नहीं चलेगा कि उस मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम्स हैं, इसलिए दोनों को इंडिविजुअल अलग अलग देखने के लिए हम यहां पे क्या पढ़ते हैं इसको, बाय। जैसे इसमें अगर आपसे किसी ने पूछा तो देखिए कितने रो हैं, एक और दो, तो नंबर ऑफ रो हो गए दो, फिर इनटू का सिंबल, कॉलम देखिए एक दो और ये तीन, ये तीन हो गए कॉलम, तो ये हो गया क्या इसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकला, 2/3। रीजन क्या है मल्टीप्लिकेशन ना पढ़ने का, क्योंकि आपको दिमाग में होगा क्या इसको प्रोडक्ट कर सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट ना करने के पीछे क्या रीजन हो भी समझ लीजिए, मान लीजिए आपने इसको प्रोडक्ट करके 6 लिख दिया तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन है इसको ब्रेक करने के, देखिए 1 × 6, 6 × 1, 2 × 3, 3 × 2। अब इसमें से कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है ये तो हमको नहीं पता चल सकता ना, तो इसीलिए इसको प्रोडक्ट करके लोग लिखते नहीं। ये बातें क्लियर हो गई होंगी डेफिनेशन के बारे में आपको। और एक चीज और ध्यान से रखिएगा, इसका जो प्रोडक्ट आता है 6, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है इन मैट्रिक्स, ध्यान से देखिए इसी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 और 6, देखिए जो प्रोडक्ट आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देता है मैट्रिक्स में। तो डेफिनेशन आपके दिमाग में थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कैसा है, डेफिनेशन क्या है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स होता है, एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, नंबर से प्लूरल वर्ड है, इसका मतलब है इस सब नंबर का क्या है, इंडिविजुअल कैरेक्टर है, इसी बेसिस से बोला जाता है मैट्रिक्स कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, मैट्रिक्स को इवेल्युएट हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डिटरमिनेंट हम जब पढ़ेंगे तो डिटरमिनेंट का इवेल्युएशन पॉसिबल है, लेकिन मैट्रिक्स का इवेल्युएशन पॉसिबल नहीं होता है, इसी रीजन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन नहीं प्लूरल वर्ड यूज हुआ है। अच्छा, हम लोग डिटरमिनेंट का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे वहां पर सिंगुलर वर्ड यूज होगा, प्लूरल नहीं होता है वहां पर। चलिए, फिर इसके बाद रेक्टेंगल है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, इंक्लूडेड रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें मैट्रिक्स लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इनको रोज बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। ट्रिक क्या याद रखेंगे, कॉलम, घर पे आपके जब भी घर कंस्ट्रक्शन होता है तो लोग बोला जाता है कि हमने यहाँ पे एक कॉलम उठवाया है, कॉलम कैसे होता है, पिलर्स को कहते हैं, और पिलर्स कहते हैं तो वर्टिकल लाइंस, इसीलिए कॉलम्स को याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, या पिलर्स याद कर सकते हैं। फिर इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इतना सीखना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, लिखते इंटू में पढ़ते बाई है, रीजन आपको बता दिया मैंने, क्योंकि आप कभी लिख के इसको अगर 6 लिख दिए तो 6 को फैक्टराइज करने के बहुत सारे मेथड हो जाएंगे, और इसमें से कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है ये आपको पता नहीं चलेगा। इससे आपको दिमाग में क्लियर है कि नंबर ऑफ रो 2 ही है, नंबर ऑफ कॉलम कितने, 3 ही है, लेकिन अगर इसका प्रोडक्ट आप निकालते हैं तो जो रिजल्ट आता है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। ये बातें आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए मैट्रिक्स के बारे में। अब इसके डेफिनेशन के बाद मैट्रिक्स में हमको पढ़ना है उसके टाइप्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है,
दूसरा टॉपिक, तीसरा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, चौथा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, फिर पांचवा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमको दो मेथड से पढ़ना है, एक पढ़ना है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एक पढ़ना है बाय एडजॉइंट। अब एडजॉइंट आ गया तो भाई हमको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स। ये छह टॉपिक हम लोग को जनरली मैट्रिक्स में पढ़ना होता है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, इसको एक मैथमेटिशियन के नाम पे रखा गया है, जिनका नाम था क्या, मार्टिन्स, जिसका नाम रखा गया मार्टिन्स रूल। चलिए बच्चा पार्टी ध्यान से समझ लीजिएगा सारी चीजें, फिर से याद करिए क्या क्या था। मैट्रिक्स का मेनली यूज कहां पर होता है, जासूसी काम में, कौन से ऑपरेटर्स में, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी भी यूज होता है इसका। और सबसे पहले कौन सा, किसने किया था इसको यूज, एलन टर्निंग ने किया था, कब, वर्ल्ड वॉर टू में किया था भाई, बहुत पुरानी बात हो गई वर्ल्ड वॉर टू। चलिए फिर उसके बाद इसका मैट्रिक्स का डेफिनेशन मैंने पढ़ा, मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या क्या चीज होता है आपको बता दिया मैंने, मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स रहता है। फिर इसके बाद हम लोग को मैट्रिक्स चैप्टर में जो जो टॉपिक डील करना है, हम लोग को मैट्रिक्स का टाइप्स डील करना है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स डील करना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डील करना है, इसको दो मेथड से पढ़ना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से और एडजॉइंट से। अब अगर एडजॉइंट हम लोग से पढ़ना चाहेंगे तो हमको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स भी सीखना पड़ेगा, तभी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ पाएंगे। फिर सबसे लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, इसी का नाम रखा गया क्या, मार्टिन्स रूल, एक मैथमेटिशियन थे उनके नाम पर रिगार्ड करने के लिए रखा गया। तो बस इंट्रोडक्शन में आज इतना ही हम रखते हैं अभी, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा बताया जाता है मैट्रिक्स के बारे में और कि इसके टाइप्स कैसे, अलजेब्रा क्या होता है, एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब चीज सीखा जाएगा मैट्रिक्स के बारे में डिटेल में। चलिए बच्चे लोग आज के लिए बस मैट्रिक्स में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।